बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव का संग्राम बेहद दिलचस्प मुकाबले तक पहुंच चुका है। मेयर की 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अगले चरण की बात करें तो 7 सीटों पर दांव लगा है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन भाजपा 17 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है, जबकि बसपा की बात करें तो 2 किले में सेंधमारी की तैयारी चल रही है। मेरठ में सपा और बसपा की टक्कर तेज हो गई है। पहले दोनों के बीच पदयात्रा वाली सियासत हुई और अब हशमत मलिक के प्रचार के लिए इमरान मसूद मेरठ आ रहे हैं। किसके नाम दूसरे चरण का संग्राम? बागी प्रत्याशी किसका बिगाड़ेंगे काम? मेरठ के किले पर किसका होगा कब्जा? किसके दफ्तर पर अलीगढ़ का ताला? मेरठ में जारी पग पग वाली सियासत। मंत्री नंदी के जिम्मे औरैया की जनपद। निकाय की सियासत मुकाबला जबरदस्त। तो देखिए, निकाय के नायक में बात हो रही है मेरठ की और मेरठ में चल रहे पदयात्रा वाली सियासत की। सपा उम्मीदवार सीमा प्रधान के पति अतुल प्रधान रोड शो करने निकले थे, तो मुकाबले में बसपा मेयर प्रत्याशी हशमत मलिक ने उन्होंने भी रोड शो शुरू किया। उन्हीं इलाकों से होकर गुजरे जहां सपा का काफिला गुजरा था, और ये बात है जबकि सपा का रोड शो आचार संहिता के उल्लंघन के घेरे में आ गया। मेरठ में फिर फंस गई सपा की साइकिल। अतुल प्रधान पर आचार संहिता का मुकदमा। रोड शो में हुई आतिशबाजी ने मुश्किल में डाला। बसपा ने भी मुकाबले में रोड शो निकाला। ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही है और बीच सड़क खुलेआम आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे दीपावली आ गई हो। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब प्रचार के लिए रोड शो में ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है तो फिर जीत गए तो मंजर कैसा होगा। ये तस्वीरें तब की हैं जब मेरठ के कंकड़खेरा थाना इलाके में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान के समर्थन में उनके पति अतुल प्रधान रोड शो निकाल रहे थे। पुलिस का कहना है कि रोड शो के दौरान रोड ब्लॉक किया, जमकर आतिशबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुद ही संज्ञान लेते हुए रोड शो में मौजूद रहे सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। प्रोग्राम के दौरान यातायात मार्ग को अवरुद्ध किया गया, इसके अलावा बीच सड़क पर आतिशबाजी की गई, इससे आचार संहिता का खुले में उल्लंघन हुआ। इस संबंध में थाना कंकड़खेड़ा में अतुल प्रधान एवं उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया। सपा का रोड शो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आ चुका है, लेकिन बसपा कहां पीछे रहने वाली थी। रोड शो के मुकाबले रोड शो कर बसपा शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है, इसलिए बसपा ने रोड शो कर सपा को अपनी ताकत का एहसास कराया। बसपा महापौर प्रत्याशी हशमत मलिक ने उन्हीं मुस्लिम इलाकों में पदयात्रा कर सियासी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया जहां सपा की पदयात्रा निकली थी।
लोगों का लाव लश्कर लेकर निकले हशमत मलिक ने संदेश दिया कि मेरठ में आज भी बसपा का हाथी अपनी मदमस्त चाल से चलता है। आपके भी एसपी जी है, आपके भी बसपा की बहन जी की सीट है। अच्छा, हाँ बहन जी की सीट है, निकले जी, आज मजबूत होंगे। 24 में देखना क्या होता। हशमत मलिक का कहना है कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा को ये सीट जीतने नहीं देंगे और सपा तो कहीं टक्कर में ही नहीं, एक तरफ है चुनाव। अच्छा, हाँ, कोई मुकाबला में नहीं है। कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी जाएगी। अच्छा, बीजेपी हारेगी इंशाल्लाह। अच्छा, बीजेपी से आप सब समाज की वोट मिल रही है। मेरठ में 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। जाहिर है न सिर्फ गठबंधन बल्कि भाजपा और बसपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो बसपा के सामने किला बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ सपा इस किले पर कब्जा करने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी ने भी दोनों को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP। और देखिए, अगर नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो इसकी कमान शिवपाल सिंह यादव संभाले हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव इटावा जिले की सभी नगर पालिका नगर पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी इटावा की सभी नगर पालिका नगर पंचायत जीतेगी। तो देखिए, शिवपाल यादव की तस्वीरों से भी अंदाजा लगाइए कि वो दावा कर रहे हैं हर हाल में सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और इसके लिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं। मंच की तस्वीरें आपके सामने। शिवपाल यादव बाकायदा इटावा और आसपास जो क्षेत्र है वहां लगातार दौरे कर रहे हैं। दर आपने कमान भी संभाल रखी है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से निकाय चुनाव को देखते हैं? नहीं, हमारा कार्यक्रम इटावा तो लगा ही है, इटावा तो हमारा क्षेत्र है, गृह जनपद है, तो यहाँ तो हमारे पूरे इटावा की जनता जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और यहाँ पूरी तरह से हम चुनाव जीतेंगे। किसी तरह से कमजोरी आप देख रहे थे इटावा में कि आपको लगातार, तो आप आज जसवंत नगर में हैं, आप इटावा में भी जगह जगह जा रहे हैं, कोई पार्टी में किसी तरह की कमजोरी है जिसके कारण पूरी ताकत लगानी पड़ रही है शिवपाल यादव को? देखिए, यहाँ कोई कमजोरी नहीं है, यहाँ केवल जो मंत्री आते हैं ना, कल यहाँ एक मंत्री आए थे, एक औरैया में आए थे मंत्री, तो वो जनता से तो निराश हैं, केवल अधिकारियों को आदेश देते हैं कि किसी तरीके से चुनाव जिताओ। यहाँ पर भी कल मंत्री कह के गए हैं, विभागों में चल नहीं रही है, अपना विभाग तो पूरी तरह से वेंटिलेटर पर पूरे डाल दिया है, और यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं केवल उनको निर्देश देते हैं कि किसी भी कीमत पर चुनाव जिताना है। देखिए, आप जानते हो हमारी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, हमारे हमेशा नेताजी के समय से लेकर के जो भी हमारे परिवार का है, जो भी चुनाव लड़ के जीते हैं, लगातार जीते हैं, और फिर परिवार से, ये सब लोग परिवार से घबराते हैं ना, इसी तभी तो गलत प्रचार करते हैं जी। हमारी पार्टी परिवारवादी नहीं है, जनता के बीच जाते हैं, जनता जिताती है, हैं? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो झूठ कोई बोल ट्रेनिंग देते हैं ये झूठ बोलने की, और इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, काम कुछ करते नहीं, अपने विभाग संभाल नहीं पाते हैं, अपने विभागों का बजट लौट के चला जाता है, खर्च भी नहीं कर पाते, अधिकारियों को निर्देश नहीं दे पाते हैं, तब विभागों को निर्देश नहीं दे पाते हैं, चुनाव में कहते हैं कि अधिकारियों को कहते हैं कि चुनाव जिताओ। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और निकाय चुनाव में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए परचम लहराएगी अपना। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। इस बार 17 निगम में बीजेपी ने जीत का दावा किया है। पहले चरण में 10 निगम के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण में 7 नगर निगम है, अहम मुकाबला है।
बसपा के कब्जे वाली मेरठ आती है, अलीगढ़ की सीटें भी इसी में शामिल है, तो दूसरी तरफ पहली बार निगम बनी शाहजहांपुर में भी इसी बार चुनाव। सत्रह नगर निगम में कमल खिलाने का दावा। दूसरे चरण में कैसे भाजपा पूरा करेगी वादा? बसपा बचा पाएगी अपना पुराना किला या भाजपा करेगी किले पर कब्जा? सपा का दूसरे चरण में क्या होगा? पहले चरण में महापौर की जिन 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ, ये सभी ऐसी सीटें थी जहां 2017 में भाजपा ने कमल खिलाया था। लेकिन दूसरे चरण में जिन 7 नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां 2017 में बसपा ने जीत दर्ज की थी। मेरठ और अलीगढ़ 2 नगर निगम हैं जहां 2017 में बसपा का महापौर बना था। बात शाहजहांपुर की करें तो पहली बार यहां महापौर का चुनाव हो रहा है। नगर पालिका के रूप में यहां पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती रही। यहां की हवा को भाप कर इस बार भाजपा ने सपा की महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा को ही अपनी तरफ खींच लिया और बाद में उन्हें ही भाजपा का महापौर प्रत्याशी बना दिया। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। कोई चुनौती नहीं, हम लोग लक्ष्य को हासिल करेंगे और 17 के 17 नगर निगम इस बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। परिणाम सकारात्मक है और इसके साथ ही साथ हम लोग नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बरेली नगर निगम में भाजपा ने निवर्तमान मेयर उमेश गौतम को एक बार फिर मौका दिया है, तो वहीं सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी IAS तोमर को अपना समर्थन। यहां 2017 में सिर्फ 12,784 वोट से IAS तोमर भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम से चुनाव हारे थे। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो 2017 में यहां पहली बार मेयर का चुनाव हुआ जिसमें भाजपा प्रत्याशी ऋषिकेश उपाध्याय ने कमल खिलाया, लेकिन ऋषिकेश उपाध्याय पर तमाम तरीके के आरोप लगने के बाद इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट कर गिरीश पति त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। से विपक्ष उसको जनता से के विकास से, प्रदेश के विकास से, जनता के भलाई से कोई मतलब नहीं। विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से सत्ता का सुख हथियाएं, और उनकी ये सच्चाई सबसे अच्छी बात है कि जनता ने अब समझ लिया, जनता ने जान लिया है, इसीलिए जनता ने विपक्ष को किनारे कर दिया। अब बात बसपा की आखिर क्यों दूसरे चरण का निकाय चुनाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। असल में पहले चरण के चुनाव में जो 10 नगर निगम शामिल थे उसमें बसपा के लिए खोने को कुछ नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ रहा, क्योंकि उन 10 में से कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां 2017 में बसपा जीत पाई हो। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में बसपा के पास खोने के लिए भी 2 सीटें हैं, मेरठ और अलीगढ़। ऐसे में बसपा के सामने चुनौती अपनी इन सीटों को बचाने की भी। दूसरे चरण में सपा का गढ़ कहे जाने वाले इटावा, कन्नौज, औरैया जैसे जिले भी शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इटावा में ही डेरा डाल दिया है। इटावा में पार्टी के कई बागी नेता भी हैं, ऐसे में शिवपाल यादव खुद वहां के समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।